इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि 1 सितंबर 1872 को बना था, ये एक्चुअली में बात करता है कि आपके और मेरे बीच में कभी किसी चीज को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो चीज कैसे डील किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, ये सब पूछेगा आपसे। एमसीक्यू है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वरना इस चैप्टर में यही फंड है। कोई हमको एक चीज बोल सकता है, आप लोग जनरली एक नोशन में हो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कोई दो चीजों के बीच में रिटर्न की ओरल। ओके, जेनी बोल रही है रिटर्न, अनन्या दिव्यम, हाँ एकदम कंसेंट हो तो बेटा कंसेंट रिटर्न ही जरूरी है कि ओरल और रिटर्न कोई भी चलेगा। यस, कोई भी चलेगा, ये एकदम परफेक्ट लाइन दिमाग में रखना, क्योंकि हम लोग बहुत बार सोचते हैं सर रिटर्न नहीं होगा तो प्रूफ कैसे होगा। हम आपको बोला हम आपको 200 पीस बेचेगा किसी चीज का, बदले में 2 लाख रुपया लेगा, कल को आप जब सामान लेने हम बोला हम तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ये प्रॉब्लम है ओरल में, साबित कैसे करोगे, हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले हैं लॉ में, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि लॉ बोलता क्या है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता क्या है, जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या क्या नियम फॉलो करना चाहिए, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई आदमी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे मतलब तोड़े तो उसको क्या पेनल्टी देना पड़ेगा, क्या क्या उसको पनिशमेंट मिल सकता है, ये सब चीज यहां पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला नोशन तो दिमाग से एकदम उड़ा देना कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रिटर्न हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटर्न बोथ, एनीथिंग इज अलाउड, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, वो आपका प्रॉब्लम है, लॉ आपको बोलता है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब आते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, सेक्शन 2H बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये थोड़ा सा नोट वाला पार्ट छपा ठीक से नहीं है, हम पीडीएफ दोबारा बना के डाल देगा, वो थोड़ा सा ठीक से दिखाते हुए, ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं प्रिंट में, आई थिंक आपको आप लोगों को भी वहां पे लाइट ज्यादा नजर आ रहा होगा। राइट हैंड साइड को पूरा, लेफ्ट हैंड साइड को रीड कर पा रहे हो? चलो ठीक है फिर, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्रीमेंट और एनफोर्सिएबिलिटी। कोई भी दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसको कानून मंजूरी देता हो, मतलब उसको आप एनफोर्स कर सकते हो कोर्ट में, मतलब कोर्ट मजबूर कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये बात क्लियर है? अब हम इस डेफिनेशन को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। लॉ में सबसे बड़ा बात यही है, हर एक वर्ड को फिर डिफाइन किया जाता है। और एक चीज बता देते हैं, सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होते हैं, सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में होते हैं। जैसे यहां पे 2H है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, सारा सेक्शन नंबर आपको याद नहीं करना है, जहां पे टोटल चैप्टर में हम टोटल सब्जेक्ट में हम 7-8 जगह सेक्शन नंबर लिखा है, आपको वही सेक्शन नंबर याद करनी है खाली, क्योंकि वो आपको जनरली पूछने का चांस बनता है। तो सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट का बोलते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब ये एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। हर वो प्रॉमिस जिसके बदले में कुछ मिले, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिले, हर वो प्रॉमिस जिसके बदले में आपको कुछ मिले उसको एग्रीमेंट कहते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आपके पापा आपको प्रॉमिस किए कि आपको 1000 रुपीज पॉकेट मनी देंगे और फिर नहीं दिए, क्या ये एग्रीमेंट है? क्यों नहीं है? क्यों ये एग्रीमेंट नहीं है? नहीं बेटा ये एग्रीमेंट भी नहीं था, हाँ क्योंकि आप सेकंड पार्ट इसका तोड़ दिए ना। हम क्या बोले, हर वो प्रॉमिस जिसके बदले में कुछ मिले वो एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये प्रॉमिस तो था आपके पापा की तरफ से कि आपको 1000 रुपीज पॉकेट में नहीं देंगे या आपको घड़ी लाके देंगे, बट ये प्रॉमिस में कंसिडरेशन था कि आप बदले में क्या देने वाले थे घड़ी की, कुछ नहीं, तो यानी कंसिडरेशन नहीं था, यानी ये प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं बन पाया।
तो एक प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चाहिए? कंसिडरेशन चाहिए। तो जब एक प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाता है उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, और जब उस एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी जुड़ जाए तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जिसको कोर्ट में ले जाकर फोर्स किया जा सके। कल को मान लो हम आपको ट्यूशन पढ़ाने का हाँ किए, आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ, क्या ये एग्रीमेंट है? हम आपको प्रॉमिस किया हम आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे, क्या ये एग्रीमेंट है? दिव्यम, क्या ये एग्रीमेंट है? हाँ है, क्योंकि हम देखो हम आपको क्या प्रॉमिस किए हैं कि हम पढ़ाएंगे, तो ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है आपको। हमको बदले में भी कुछ मिल रहा है, हाँ फीस मिल रहा है। तो यही तो बोले थे, हर प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन जुड़ जाए तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। अब हम इसमें एक और पॉइंट जोड़ते हैं कि अगर कल को हम अचानक बीच में मना कर दे, जाओ हम नहीं पढ़ाएंगे, क्या आप इसको कोर्ट की मदद से मेरे को फोर्स करवा सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, क्योंकि अब मिड ऑफ द पीरियड में आपको कौन अचानक एग्जाम के 15 दिन या 20 दिन या महीना भर पहले आपको दूसरा ट्यूशन मिलना मुश्किल। तो आप कोर्ट में गए, मेरे अगेंस्ट में केस किए, कोर्ट आपको बोला बिल्कुल इनको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप फीस ले चुके हो और अब आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। तो यानी उस एग्रीमेंट को कोर्ट में फोर्स किया जा सकता है ना, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन जुड़े तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और जब उसी एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी जुड़ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहां पर हम प्रॉमिस का भी डेफिनेशन दिए लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल ऑफ अदर इट बिकम प्रॉमिस। जब हम तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया वो प्रॉमिस कहलाएगा। तुम हमको बोले नीरज सर पढ़ाएंगे क्या, हम तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, हाँ चलो पढ़ाएंगे, तो ये प्रॉमिस बन गया। तो प्रॉमिस का डेफिनेशन उतना काम का नहीं, बट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों डेफिनेशन काम का है। और एनफोर्सिबिलिटी का डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट टेक लीगल इफेक्ट और कैन बी फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जिसको लीगल इफेक्ट बन जाए, जिसका लीगल टर्म्स में आ जाता है बात, और जिसको कोर्ट में फोर्स किया जा सके, उसी को एनफोर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो लास्ट में देखो जाके हम एक क्या बोलते हैं, इक्वेशन बनाया है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? आप लोग एक बार एनालाइज करो इसको। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, हम आपको प्रपोज किया आप उसको एक्सेप्ट किए, तब वो क्या बना? प्रॉमिस। उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ा तो वो क्या बना? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेटा, अभी तक हम बोले हम आपको प्रपोजल दिए आप उसको एक्सेप्ट किए, ये प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ा तो वो एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी जुड़ा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये डेफिनेशन बहुत काम का था, क्योंकि इस पर एमसीक्यूज अच्छा खासा देता है लोग। हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। आप एक दिन के बर्थडे पार्टी में जाने का प्रॉमिस किए थे, आप नहीं गए, क्या वो आप पे केस कर सकता है? क्या वो आपको एनफोर्स कर सकता है? क्या ये एग्रीमेंट है? ये एग्रीमेंट है। सोचो कैसे एग्रीमेंट होने के लिए क्या दो बात होना जरूरी है? प्रॉमिस और कंसिडरेशन, है ना। आप हमको पार्टी में आने का ऑफर दिए, हम आपके पार्टी में आएंगे, बदले में आपको गिफ्ट देंगे। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन तो दोनों ही, आप हमको खाना खिलाओगे हम गिफ्ट देंगे, नहीं खिलाओगे तो अपने गिफ्ट पॉकेट में डाल के वापस ले आएंगे। लेकिन नहीं लेके आए थे, चलो ठीक है। तो यानी प्रॉमिस तो बना। देखो आप हमको ऑफर किए, सर मेरे घर फंक्शन आप आएंगे क्या? प्रॉमिस बना, ठीक है। बदले में कंसिडरेशन भी है मोटा मोटी एक। कंसिडरेशन जरूरी नहीं हर बार पैसे में हो, इमोशनल कंसिडरेशन भी कंसिडरेशन में आ जाता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट भी बन गया। अब बोलो आपको लॉजिकली क्या लगता है, हम आपके पार्टी में नहीं आए तो आप केस कर सकते हो क्या मेरे पे? नहीं, ऑब्वियस बात है। मेरे मन से क्या फीलिंग आ रहा है? प्रैक्टिकल वर्ल्ड, आपको लॉ नहीं पता, लॉ को इग्नोर करो,
आपके अंदर से इमोशनली क्या आवाज आ रहा है, किस बात का तो केस नहीं हो सकता सर। ऐसे तो हम बहुत जिनको पार्टी में बुलाते हैं जो नहीं आता तो फिर केस थोड़ी कर देते हैं कि नहीं मेरा तो खाने का प्लेट वेस्टेज हो गया तुम्हारे कारण, तुमको आना पड़ेगा, अब नहीं आया तो प्लेट का पैसा दो, नहीं ना केस नहीं कर सकते। यानी ये एग्रीमेंट तो बना लेकिन इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आया, तो यानी इसको सोशल एग्रीमेंट बोलते हैं। ये जो हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस करे या दोस्तों को हम लोग प्रॉमिस करते हैं या पापा बच्चों को प्रॉमिस करे, इन सबको सोशल एग्रीमेंट बोलते हैं। और सोशल एग्रीमेंट को कोर्ट में फोर्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। ये क्लियर है? इस पे बहुत केस बना बना के देगा वो लोग, इस पे बहुत केस घुमा घुमा के देगा आपको। जजमेंट करने का यही चार पॉइंट है, क्या प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ा है, अगर हाँ तो वो प्रॉमिस है, क्या प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ा है तो वो एग्रीमेंट है, और क्या एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी जुड़ा है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर का। ये जो छह पॉइंट आपको आंख के सामने दिखाई दे रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो छह एलिमेंट्स हैं, ये छह के छह होने जरूरी है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वरना उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। और यही छह पॉइंट अब आपका पूरा चैप्टर है, एक एक पॉइंट को हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आप हमको प्रॉपर वे में ऑफर दोगे, आगे पढ़ेंगे ऑफर का प्रॉपर वे क्या होता है। आप हमको जब भी ऑफर करोगे तो एक प्रॉपर वे में ऑफर करोगे, और जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो उसको भी हम एक प्रॉपर वे में करेंगे। मतलब हम दोनों का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम आपको बोल रहे हैं हम सोच रहे हैं ये घड़ी बेच दें, आप बोले ठीक है हम ले लेंगे, हम ले नारे नहीं देंगे। मेरा वो जो लैंग्वेज था उससे आपको लग रहा था कि हम आपके साथ एक प्रॉपर लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। हम लाइन रिपीट करते हैं, हम सोच रहे हैं हम ये घड़ी बेच दें, आपको कहीं भी इस बात में मेरा क्लियर इंटेंशन नजर आया? दिव्यम अनन्या आपको कहीं मेरा इंटेंशन नजर आया इसमें? नहीं। हम कैसे बोला, हम सोच रहा है हम घड़ी बेच दें, हम आपको अगर अब हम एक दूसरा लाइन बोलते हैं उसमें इंटेंशन नजर आ रहा है क्या बताना? दिव्यम ये घड़ी हम 1000 रुपये में बेचना चाहते हैं, तुम खरीदोगे क्या? इसमें इंटेंशन नजर आया? यस सही है आप लोग, वैसे आप भी ठीक है देखते हैं हम लेंगे तो हम आपको बता देंगे। क्या इसमें आपका एक्सेप्टेंस में हमको इंटेंशन नजर आ रहा है कोई? नहीं नहीं। और यही हाँ सर हम लेंगे इसमें, हाँ एकदम, यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एकदम इस तरीके से हो कि दोनों पार्टी एक दूसरे से लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, फ्री कंसेंट। हम आपके माथे पे बंदूक रख के बोले साइन करो वरना गोली मार देंगे, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय आप अपने पूरे मन से साइन किए? नहीं। कंसेंट मतलब होता है एक्सेप्टेंस, क्या आपका एक्सेप्टेंस एकदम फ्री था बिना किसी प्रेशर या दबाव के? नहीं था। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, हम आप पे इमोशनल प्रेशर डाला, मान लो हम आपके स्कूल का टीचर है या हम आपके कॉलेज का टीचर है, और हम आप पे प्रेशर डाला कि मेरे से ट्यूशन पढ़ो, सॉरी मेरा एक गाड़ी है बहुत खटारा कंडीशन में है, उसको बिकवाओ वरना एग्जाम में फेल करवा देंगे, या आपका या आपको लग रहा है कि आप पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने का, गाड़ी बिकवाने का या गाड़ी खरीदने का? प्रेशर क्रिएट हो रहा है मतलब आपका कंसेंट फ्री नहीं है, आपका एक्सेप्टेंस फ्री नहीं है एकदम। हम आपके साथ फ्रॉड किया, हम डिफेक्ट को छुपा लिया, एक मोबाइल है जिसमें प्रॉब्लम था कि वो उसके 1 घंटा में या 2 घंटा में बैटरी खत्म हो जाता है, हम क्या किया जब आप खरीदने आए तभी उसको फुल चार्ज करके आपको बेचा, आप हाथों हाथों चेक कर नहीं सकते थे कि बैटरी डाउन हो जाएगा इसका, ऐसे है ना, हम एकदम उसी समय फुल चार्ज करके रखा था जब आपको फोन देना था, हम क्या किया फ्रॉडलेंटली डिफेक्ट को छुपा लिया, यानी आपका कंसेंट फ्री नहीं है। पांच
पांच ऐसे एलिमेंट हैं जहां पे कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता। कोएर्शन मतलब धमकी देना, अंडू इन्फ्लुएंस मतलब मेंटल प्रेशर क्रिएट करना, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब मिसगाइड करना, फ्रॉड करना किसी के साथ, और मिस्टेक मतलब दोनों पार्टी को ये पता ही नहीं था। एक एग्जांपल देते हैं मिस्टेक का। पहले एक शिप आ रहा था जिसमें 1000 pieces ऑफ मोबाइल आ रहा था। मेरा शिप कल सुबह कलकत्ता पोर्ट पे पहुंचने वाला था। हम दिव्यम से मिले, हम दिव्यम को बोले दिव्यम मान लो ट्रेडर है, होलसेलर है। हम दिव्यम को बोले दिव्यम मेरा 1000 piece मोबाइल आ रहा है, तुम लेगा क्या? दिव्यम बोला ले लेंगे। दिव्यम का काम है, दिव्यम को रेट पसंद आ गया मेरा। लेकिन जब हम ये दिव्यम से बात कर रहा था ना, तब हमको पता ही नहीं था वो तो शिप तो अरेबियन ओशन में डूब गए। यानी दोनों ही पार्टी इग्नोरेंट है इस फैक्ट के बारे में, तो इसको बोलते हैं मिस्टेक। मिस्टेक मतलब पार्टीज आर इग्नोरेंट अबाउट दी फैक्ट, उनको फैक्ट का पता ही नहीं। मेरे गोडाउन में आग लग चुका, मेरा कोई सामान है वो चोरी हो चुका, जल चुका, हमको ये पता ही नहीं था और हम डिवियन से डील कर लिया। यानी यहां पर दोनों ही पार्टी फैक्ट से इग्नोरेंट था। तो अगर इग्नोरेंट भी है तो भी इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। इसको हम क्या मानेंगे? फ्री कंसेंट नहीं है तो इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो हम पहला पॉइंट क्या बोला? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरा फ्री कंसेंट। तीसरा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इन सबका डिटेल में बात होगा, ये चैप्टर आगे यही है, नेक्स्ट 2 class में यही चलेगा, यही पॉइंट्स चलेंगे केवल, और इनमें हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे देंगे, बताएंगे हर चीज, सब नोट्स में रहेगा। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो पार्टी, जो दो जन पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों में कैपेबिलिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने का। दुनिया में 3 लोगों को कैपेबल नहीं माना गया, हम नहीं माना गया बता रहे हैं, यानी बाकी लोग कैपेबल है। दुनिया में 3 लोग हैं जिनको कैपेबल नहीं माना गया। नंबर 1 माइनर मतलब जिसका 18 ईयर से एज कम हो, उसको कैपेबल नहीं माना गया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नंबर 2 अनसाउंड माइंड मतलब कोई आदमी पागल है या बहुत ज्यादा नशे में है, मतलब जो अपने होशो आवास में नहीं है और अपना भला बुरा नहीं सोच सके। अनसाउंड माइंड मीन जो आदमी अपना भला बुरा नहीं सोच सके, ठीक है। और तीसरा जिसको लॉ डिस्क्वालीफाई कर दे, कानून बोल दे, कोर्ट बोले, गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस टाइप के लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो भी कैपेबल नहीं होगा फिर। तो यानी 3 लोगों का कैपेसिटी नहीं है, अनसाउंड माइंड, माइनर चाइल्ड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ आप बोलोगे डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी 3 आदमी कैपेबल है। मेजर जिसका एज 18 ईयर से ज्यादा है वो कैपेबल है। साउंड माइंड मतलब जिसको जो अपने अपना भला बुरा सोच सकता है वो कैपेबल है, और जिसको लॉ डिस्क्वालीफाई नहीं किया है वो कैपेबल है। तो अगर आप कैपेबल हो और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम किए हैं, या हम कैपेबल और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हो तो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, और आप कैपेबल नहीं हो या हम कैपेबल नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन, हम आपसे घर ले रहे हैं बदले में आपको 5 lakh rupees दे रहे हैं, आपको यहां पे सब कुछ सही लग रहा है? बिल्कुल लगना भी चाहिए। हमको पैसे के बदले में क्या मिल रहा है? घर, और आपको घर के बदले में पैसा। कंसिडरेशन इसी को बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। क्विड प्रो क्यो, ये लॉ का लैंग्वेज है, क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न, करेंगे इसके ऊपर बात, ये अगर पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा। तो लॉफुल होना चाहिए जो बदले में मिल रहा हो। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल को, आपको दोनों लीगल सही लगा था, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल को बदल देते हैं। हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप बदले में हमको ताजमहल दे रहे हो, क्यों हंसी क्यों है? ताजमहल में बिल्डिंग है, देनी रह सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सर कुछ तो गड़बड़ है, सर कुछ तो अनलॉफुल हो रहा है यहाँ पे? Obviously, मतलब आप जो ताजमहल हमको दे रहे हो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है मेरे लिए, हमको जो बदले में मिल रहा है वो सही नहीं है।
चलो ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल बदलते हैं। आप हमको ड्रग्स दे रहे हो, अनलॉफुल है। आप हमको AK-47 दे रहे हो, अरे तीनों में कुछ तो दो यार, तीनों में ना बोल दिया आप लोग तो, या ताजमहल दो या ड्रग्स दो या बंदूक दो, तीनों ही नहीं दे रहे आप लोग तो। ठीक है, यानी तीनों ही कंसिडरेशन अनलॉफुल है। चलो ये मजाक का एग्जाम्पल था, हम और एक सीरियस एग्जाम्पल देते हैं अब आपको। आप हमको अपना पड़ोसी का घर बेच दिए, ये सीरियस एग्जाम्पल है। ये इंडिया में ये फ्रॉड कॉमन है, जो चीज आपका नहीं आप उसको बेच दे रहे हो, आप जिसके ओनरशिप में नहीं हो आप उस चीज को हमको बेच दे रहे हो, ये भी तो अनलॉफुल है ना। हाँ, यानी अनलॉफुल है ना दिव्यम, हम ये बोलना चाहते हैं बदले में जो हमको मिल रहा है वो अनलॉफुल है। तो हम तुमको 5 लाख दे रहे हैं वो सही लग रहा है, लेकिन बदले में तुम जो हमको दे रहे हो वो अनलॉफुल लग रहे हैं। तो यानी अनलॉफुल कंसिडरेशन होने से तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। चलो, जैसे जैसे कंसिडरेशन हो गया बदले में कुछ, ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज को लेकर डील हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी तो लीगल होना चाहिए। अब ताजमहल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ताजमहल बेच नहीं सकते क्योंकि वो लॉफुली ऑब्जेक्ट नहीं माना जा रहा है बेचने के लिए। तो जिस चीज को लेकर डील हो रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए, और बदले में जो मिले वो भी लॉफुल होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट वॉइड डिक्लेयर करके रखा है एक्सप्रेसली, मतलब अनाउंस करके रखा है कि ये चीज अलाउड नहीं है। जैसे एक एग्जांपल भी दे देते हैं हम इसको आपको। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी आप लोग बीच में देखे थे ऑनियन का भाव बहुत ऊपर चला गया था, तो अचानक इंडियन गवर्नमेंट क्या बोला था, इम्पोर्ट ऑफ द ऑनियन अभी अलाउड नहीं होगा किसी को, कोई आदमी सॉरी एक्सपोर्ट, कोई आदमी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा अभी ऑनियन इंडिया के बाहर। यानी गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए ओनियन का प्राइवेट सेलिंग को, एक्सपोर्ट ऑफ द ओनियन को अवॉइड कर दिया, मतलब मना कर दिया, मना कर दिया कोर्ट। इसको क्या बोलेंगे, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर, कोर्ट उसको अवॉइड डिक्लेयर करके रखा। वैसे ही मतलब अचानक कभी कभी होता है कुछ चीजों को लीगली वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, बोलता है इन चीजों का डील अभी आप नहीं कर सकते। तो ये वाला 6 एलिमेंट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर ये 6 एलिमेंट मिसिंग हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आखिरी टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको बोला 3 वे है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को बांटा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। पहले पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पार्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपको एक चीज बता देते हैं, आपको 5-6 चैप्टर है ना, उनमें 20 से 25 नंबर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले जाएगा, 80 मार्क्स में से 20 से 25 यही चैप्टर ले जाएगा। तो ये बहुत काम का चैप्टर है, बाकी चैप्टर बहुत इजी पढ़ेंगे आपको इसके सामने, तो इसमें आपको माथा लगाना है थोड़ा, इसीलिए हम इसमें बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके साथ। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी 5 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड मतलब जिसको कोर्ट नहीं सुनेगा, तुम कोर्ट में वो केस लेके जाओगे कोर्ट हाथों हाथ रिजेक्ट कर देगा उसको, बोलेगा हम सुनेंगे ही नहीं इसको। जैसे मान लो तुम्हारे साथ डील किया, आसमान से तारा तोड़ के ला देंगे, बदले में हमको 2 लाख रुपया देना, तुम हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। अब ऑफिस बात, हम तारा तोड़ के लाके दे तो सकता नहीं था, तो तुम क्या करोगे, मेरे केस में कोर्ट जाओगे, कोर्ट इस केस को सुनेगा, बोलो कोर्ट इसको लीगल इफेक्ट दे पाएगा, कोर्ट हमको फोर्स कर पाएगा, नहीं तारा तो तुमको लाके देना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट बोलेगा कैसा पागलपंती वाला एग्रीमेंट तुम साइन कर ली, भैया इस पे हम डिसीजन नहीं दे सकते। मतलब वॉइड का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉ में, वॉइड का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल इफेक्ट नहीं दे पाना। आई रिपीट, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल इफेक्ट नहीं दे पाना, इसलिए देखो हम क्या लिखे हैं, विदाउट लीगल इफेक्ट। ठीक है,
तो वॉयड मतलब जिसको कोर्ट लीगल एनफोर्समेंट या लीगल इफेक्ट नहीं दे सकता। दूसरा वैलिड, नाम से समझ में आ रहा है जिसमें सब कुछ ठीक है, मतलब जिसमें वो छह के छह एलिमेंट एकदम सही है, ऑल सिक्स एलिमेंट आर प्रेजेंट ओवर देयर, उसको बोलेंगे वैलिड एग्रीमेंट। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पांचवा फिर भी समझ जाओगे, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वॉयडेबल। होता क्या है, मान लो हम आपको धमकी दे के डरा के प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लिया, आप कोर्ट गए, उस समय तो आप डर के मारे साइन कर दिए, हम आपके माथे पे बंदूक रख के रखा था कि साइन करो वरना गोली चला देंगे, आपको मजबूरी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ा, साइन करना पड़ा आप, लेकिन उसके बाद क्या किए, कोर्ट गए। जैसे ही आप कोर्ट गए, आप कोर्ट में मान लो ये साबित कर दिए कि नीरज सर आपसे फोर्सफुली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, अब क्या होगा, कोर्ट आपको ऑप्शन देगा, कोर्ट आपको ऑप्शन देगा कि आप बोलो इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी पूरा करवाना है कि कैंसिल करवाए। जिस पार्टी के साथ जाती हुए, जिस पार्टी के साथ कुछ गलत हुआ है, जिस पार्टी के साथ कुछ भी गलत हुआ है, उस पार्टी को कोर्ट एक ऑप्शन देते हैं कि बोलो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाएं कि कैंसिल कर दें। इस पार्टी को बोलते हैं एग्राइव्ड पार्टी, AGGRIEVD, एग्राइव्ड पार्टी। एग्राइव्ड पार्टी को कोर्ट एक ऑप्शन देता है, तुम बोलो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाएं कि नहीं। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एट द ऑप्शन ऑफ द एग्राइव पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट या तो पूरा होगा या कैंसिल होगा। अब आप बोलोगे सर हम क्यों पूरा करवाएंगे, हम तो कोर्ट गए थे कैंसिल करवाने, लेकिन आपको वहां जाने के बाद लगा कि अब ये प्रॉपर्टी तो हम नीरज सर से वापस ले लेंगे, लेकिन अब इस प्रॉपर्टी में तो झमेला हो गया, बाहर का लोग खरीदने से डरेगा, क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी में कोर्ट कचहरी का केस झमेला हो जाता है, लॉ इन्वॉल्व हो जाता है, तो लोगों को डर लगता है ना वो उस प्रॉपर्टी को फिर खरीदने में कि भाई ये तो झमेले वाला प्रॉपर्टी, इसको लेंगे तो बाद में मेरा ही बंबू होगा, तब आपको लग रहा है कि तो फिर बिकेगा ही नहीं कभी, इससे अच्छा तो नीरज सर को ही दे दो, पैसा थोड़ा ज्यादा मांग लो या उतना ही पैसा में चलो दे। यानी कोर्ट आपको मौका दे देगा कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना है कि नहीं पूरा करवाना, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला वह वॉयड जिसको लीगल इफेक्ट दिया ही नहीं जा सकता, दूसरा वह वैलिड जिसमें छह के छह एलिमेंट करेक्ट है यानी कॉन्ट्रैक्ट एकदम परफेक्ट है, तीसरा वो अवॉइडेबल मतलब जिस पार्टी से कुछ जाती हुआ है, जिस पार्टी के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको कोर्ट एक ऑप्शन देता है। एग्राइव पार्टी मतलब कमजोर पार्टी, तो जो पार्टी कमजोर पक्ष है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसको कोर्ट ऑप्शन देता है। चौथा तो नाम से समझ में आ रहा है इलीगल, वही आर्म्स एंड एम्युनिशन ड्रग्स ये सब का डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो, मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सब इलीगल है, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और लास्ट होता है अनएनफोर्सिएबल। कभी कभी क्या होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ साइनिंग का ही डिफेक्ट हो सकता है, साइन गलत हो गया, नाम का स्पेलिंग रॉन्ग छप गया, हमको डेट लिखना था अभी आज 2021 चल रहा है, हम गलती से 2020 लिख दिया, मतलब डेट रॉन्ग हो गया, साइन रॉन्ग हो गया, पार्टी का नाम गलत हो गया, कुछ स्पेलिंग एरर हो गया, कोई सेंटेंस ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, काटापिटी हो गया, तो कोर्ट बोलता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो हम पूरा नहीं करवा के दे सकते, आप इसमें ये डिफेक्ट को ठीक करके ले आओ फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवा देंगे। मतलब अनएनफोर्सेबल उसको बताए इसमें कुछ टेक्निकली फॉल्ट हो गया, जिसको थोड़ा ठीक कर लो बाद में काम हो जाएगा। तो आइए पांचों नाम क्लियर है आप लोगों को, वॉयड वैलिड वॉयडेबल इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन चार टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हर एक बात मतलब बताया गया कॉन्ट्रैक्ट में। एक सेकेंड होल्ड करो, कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज बता दिया गया, सारा चीज एक जगह नोट डाउन कर दिया गया, सब कुछ एक्सप्रेस्ड है। एक्सप्रेस मतलब सब कुछ बता गया, ओरल हो या रिटर्न हो दोनों चलेगा, लेकिन हर एक बात कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया गया और जो बताया गया फिर वही फॉलो होगा। इम्प्लाइड मतलब होता है कुछ कुछ बातें अज्यूम्ड होती है, जो आपको बताने का जरूरत नहीं है, अगर वो बात नहीं होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, हम आपको बोले मेरे घर में कल पूजा है और आप हमको मान लो प्रसाद का मिठाई डिलीवरी करने वाले थे, अब मेरे घर में कल पूजा है
हम आपको बोल दिया था कल सुबह 8 बजे मेरे घर में पूजा है, आप मिठाई लेके आए 1 बजे। हम आपको ये नहीं बोला था हमको 8 बजे पहले चाहिए, हम बोला नहीं था आपको कुछ। लेकिन हमको नियम से एक बात बताओ, अगर हम आपको कुछ नहीं बोला है तो आप मिठाई आए लेके 12 बजे, क्या हमको डिलीवरी लेना पड़ेगा? हम आपको ये बोल दिया था मेरे घर में सुबह 8 बजे पूजा है, हम लेकिन ये नहीं बोला था हमको 8 बजे पहले मिठाई दे दीजिएगा। अब हम आप लेके आए 12 बजे, क्या हमको आपका डिलीवरी लेना पड़ेगा? बोलो, ट्राई करो। अच्छा दिव्य, नहीं ले सकते हैं कि लेना पड़ेगा, हम ये हम एक ही आंसर करो दोनों में ही। हाँ सोचने का बात है, मतलब ये इम्प्लाइड बात है ना दिव्य, इसको बोलते। अच्छा एक बात बोलो, तुम एटीएम में कार्ड डाले और पैसा निकाले, इम्प्लाइड बात है तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटेगा। तुम बोलोगे बैंक को जाके ये कैसे हो गया, अब हमको बोले थोड़ी ना एटीएम से पैसा निकालेंगे तो मेरे अकाउंट से कट जाएगा, नहीं बोल सकते ना ये बात बैंक को, मतलब ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक्सप्रेस मतलब हम आपको बता दिया था 8 बजे पहले मिठाई नहीं दोगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, ये हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ कुछ बातें जो बताया नहीं लेकिन ऐसा मानना पड़ेगा कि ऐसा तो होगा। अब जहां रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल आता है गाड़ी रोक देते हो ना रेड सिग्नल पे, लिखा थोड़ी ना वहां पे कि लाल होने पे गाड़ी रोक देना। आप बोलोगे हमको क्या पता है, तो लिखा हुआ नहीं था। अरे इम्प्लाइड बात है कि रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी रुका जाएगा, है ना, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर एक बात बता दिया गया है, इम्प्लाइड मतलब कुछ बातें एज्यूम्ड है वो तो ऐसे हो गए। थर्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम और आप मिलकर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए थे, ये तो लॉ ऐसा कुछ एनफोर्समेंट हम लोगों पर डाल दिया, मतलब हम और आप अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए थे, ड्यू टू फोर्स ऑफ द लॉ हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक छोटा बच्चा है जिसके फैमिली में मान लो सबका डेथ हो गया, घर में कोई नहीं बचा, छोटा बच्चा है एकदम, मान लो 3-4 साल 5 साल जो भी। अब कोर्ट उसके चाचा को या मामा को या किसी को भी बोला कि आप इस बच्चे को संभालोगे जब तक ये बड़ा नहीं हो जाए तब तक, और इसका प्रॉपर्टी भी आप देखभाल करोगे। क्या उस बच्चे के माँ बाप और उसके वो मामा चाचा जो भी उनके साथ कोई डील हुआ था क्या इस बच्चे को संभालने का? नहीं। कौन मजबूर किया वो बच्चा को संभालने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने आप, कोर्ट, यानी इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको कोर्ट फोर्स करवा के पूरा करवाए, दोनों पार्टी अपनी इच्छा से उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए थे, उनको ड्यू टू फोर्स ऑफ लॉ गवर्नमेंट इनकी मजबूरी में करना पड़ा ही। एक लास्ट केस है इसमें टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन में लास्ट पॉइंट है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, मतलब एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो एक तरफ मशीन इन्वॉल्व हो, उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हो, एक इंसान इन्वॉल्व और एक मशीन इन्वॉल्व है। जैसे आप ना क्या बोलते हैं इस पे जाओ, एयरपोर्ट वगैरह पे जाओ तो देखते हो ना कि ना मशीनों में आप पैसा डालते हो तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आ जाता है बाहर, या चॉकलेट्स आ जाते हैं, वेंडिंग मशीन जिसको बोलते हैं। तो ये सब हो गया टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे दोनों तरफ ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं हो, एक ह्यूमन और एक मशीन इन्वॉल्व। तो भाई एनी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसको बोलते हैं टैसिट। तो चार टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, एक्सप्रेस मतलब सब कुछ बता गए, इम्प्लाइड मतलब कुछ एज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको लॉ एनफोर्स कर दिया या लॉ आपको फोर्स किया कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ऑटोमेटिक हुआ मशीन्स की मदद से। चारों क्लियर है? लास्ट चार पॉइंट आज का, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस चार टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटेड मतलब जो हो चुका पास्ट कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी मतलब जो फ्यूचर में होगा, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस वाला बात हो गया, यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, आप हमको कुछ दोगे हम आपको कुछ नहीं देंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, या हम अपना पार्ट पूरा कर दिया अब सिर्फ आपका बाकी है,
उसको बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड और बाइलेटरल मतलब टू साइडेड, मतलब बोथ साइडेड। तो अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी 5 थे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन 4 है, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस भी 4 है, और आखिरी आया एज पर इंग्लिश लॉ 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ रिकॉर्ड का मतलब होता है हम और आप आपस में एग्रीमेंट करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए, और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील मतलब जिसको कोर्ट करवा के देते हैं। फॉरेन में इन दो नाम से जाना जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब हम और आप मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किए जिसमें लॉ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई स्टैम्पिंग नहीं करवाए, और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील मतलब जिसको लॉ फोर्स करके लॉ आपको करवा के देता है, कोई सील या ठप्पा लगाए जिस पर। तो ये है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। आप इन नोट्स को गो थ्रू करो, नेक्स्ट 2 क्लास में हम लोग इस पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। यही थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बाद बाकी सब तो एक एक क्लास का चैप्टर।